हेलो एवरीवन वन वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल हॉरिजोन क्लासेस आज की वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट मीटिंग्स सो कॉर्पोरेट मीटिंग्स से क्या हेल्पफुल होती है या तो फिर क्या इंपॉर्टेंस है हम आज इस वीडियो में देखेंगे और एक मैं आपको बात बता दूं कॉर्पोरेट मीटिंग्स और या कह लीजिए कंपनी मीटिंग्स दोनों एक ही है कॉरपोरेट मीटिंग्स मतलब जो कंपनी के अंदर मीटिंग्स की जाती है उसे हम कॉरपोरेट मीटिंग्स कहते हैं सो so, इसका मैंने मीनिंग और इसके काइंड्स या तो फिर टाइप्स कर लीजिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं आप जाकर देख लीजिएगा सो so, इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर्स टू कम टुगेदर मीटिंग प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड एन अपॉर्चुनिटी टू द मेंबर्स स्कैटर्ड ऑल ओवर डिफरेंट एरियाज टू कम टुगेदर सो मीटिंग क्या है मीटिंग एक प्लेटफॉर्म और एक अपॉर्चुनिटी पैदा करता है कि डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो भी लोग रहते हैं कंपनी में उन सबको एक साथ एकजुट रखता है मीटिंग्स में एक साथ बुलाता है मीटिंग्स में जैसे कंपनी में बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है सेल्स डिपार्टमेंट रहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहता है सो ऐसे बहुत ही सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं सो ये डिपार्टमेंट्स ये सब क्या करते हैं सब मीटिंग्स क्या होती है मीटिंग्स सब डिपार्टमेंट्स के अंदर होती है सब डिपार्टमेंट्स को बुलाया जाता है डिपार्टमेंट्स तो के मेम्बर्स को बुलाया जाता है और बुला के सबकी राय ली जाती है अगर सबकी अगर राय या सबके अगर आइडियाज लिए जाएंगे तो कंपनी में कंपनी के डिसीजंस या तो फिर कंपनी के जो भी आइडियाज रहेंगे जो भी प्लान रहेंगे वो बहुत ही सक्सेसफुल चलेंगे डिस्कस द मैटर्स एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी एंड अराइव एट अरावटेड सो जो हर हर तरह के लोग रहते हैं हर डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं सो so अगर वो डिस्कशन एक साथ मिलकर करें तो एक बहुत ही अच्छी तरीके से डिसीजन कर सकते हैं सो so, यह था हमारा फर्स्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंस सेकेंड इंपॉर्टेंस है मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग्स सो मिनट्स क्या है मिनट्स मतलब एक डॉक्यूमेंट मतलब है जिसमें मीटिंग में क्या क्या हुआ है वो सब नोट किया जाता है और ये काम रहता है कंपनी सेक्रेटरी का सो so, एक मीटिंग में क्या क्या होता है वो सब लिखा जाता है मिनट्स में सो मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग इज रेड विच द दबसेंट एंड प्रेजेंट मेंबर टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द मैटर्स डिस्कस इन द प्रीवियस मीटिंग्स सो जब भी एक मीटिंग बिठाई जाती है उसमें मिनट्स पढ़ा जाता है जो पिछली मीटिंग में पिछली मीटिंग में क्या क्या हुआ है वो सब बताया जाता है प्रेजेंट मीटिंग में क्यों बताया जाता है कि कोई अगर एक बंदा ऑब्सेंट रहा सो तो उसको क्लियर हो जाना कि और जो भी प्रेजेंट रहा जो पिछले मीटिंग में प्रेजेंट भी था और उसको और डीप तरह से क्लियर हो जाना कि अपना प्लान्स क्या है पॉलिसीज क्या है डीप तरह से क्लियर हो जाना बोल के मिनट्स पिछले मीटिंग के मिनट्स पढ़ा जाता है थर्ड है फिक्सेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज इट एनेबल्स द मैनेजमेंट टू डिस्कस एंड डिसाइड अबाउट देयर पॉलिसीज प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एक्सेट्रा एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन सो मीटिंग्स में क्या होता है मीटिंग्स में जो डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती है उसमें मैनेजमेंट क्या करता है जो मैनेजमेंट में जो भी लोग रहते हैं वो प्लान बनाते हैं पॉलिसीज बनाते हैं और प्रोग्राम्स बनाते हैं उस मीटिंग के अंदर सो so, उसे कैसे इंप्लीमेंट करना इसके लिए भी वो अलग तरह के प्लान्स बनाए जाते हैं मीटिंग्स के अंदर सो so, ये भी एक एडवांटेज होगा मीटिंग्स का मीटिंग्स का मेन एडवांटेज तो यही है कि इसमें प्लान एंड पॉलिसीज बनाए जाते हैं एंड द फोर्थ इज

डिस्कस किए जाते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है उसको भी पता करने के लिए भी मीटिंग बिठाई जाती है कंपनी आर फुलफिल्ड बाय कंडक्टिंग मीटिंग्स सो अब जब आप एक मीटिंग रखते हो कंपनी में सो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज के कंपनीज एक्ट के तहत कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है तो उसके हिसाब से ही आपको ये मीटिंग रखनी होती है आप खाली पीली बुलाकर ना डायरेक्टर्स के साथ या फिर मेंबर्स के साथ टाइम पास करने के लिए मीटिंग बुला रहे हैं तो ये आपकी मीटिंग या आपका टाइम और ये आपके पैसे सारे के सारे इसमें वेस्ट हो जाएंगे सो तो आपके जब भी मीटिंग पर बुला रहे हो मीटिंग बिठा रहे हो सो तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए कुछ उसके रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए तब भी आप मीटिंग बुलाएं वरना मत बुलाएं आपके कंपनी में सो तो सिक्स इज बिजनेस अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स अप्रूवल्स ऑफ द एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर्स रिपोर्ट एक्सेट्रा कैन बी डन इन द मीटिंग्स सो मीटिंग में मीटिंग्स में और दूसरे दूसरे क्या काम होते हैं मतलब जैसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना रहता है ऑडिटर्स को अपॉइंट करना रहता है ऑडिटर्स मतलब जो कंपनी के अकाउंट संभालते हैं सो so, उनको अपॉइंट करना रहता है ये सब भी काम होता है अब जैसे डिविडेंड्स जो जो भी हमारे कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट किए हैं उनको जो रिटर्न देना आ है उसे डिविडेंड कहते हैं सो so, उस पर डिविडेंड कितना देना है अप्रूवल ऑफ एनुअल रिपोर्ट जो भी एनुअल रिपोर्ट होती है उसको अप्रूव दिया जाता है मीटिंग्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव किया जाता है ऑडिटर्स रिपोर्ट सो ये सब काम होता है एक कंपनी के या तो फिर कॉर्पोरेट मीटिंग कर लीजिए कॉर्पोरेट के अंदर कॉर्पोरेट मीटिंग के अंदर ये सब काम होता है और ये सब आ, एक इंपॉर्टेंस है ये सब एक एडवांटेजेस है कंपनी मीटिंग्स के सो so, ये सेम मैं आपको मीटिंग्स बताया हूँ ये आपको फाइव सिक्स मार्क्स में ही पूछेगा ट्वेल्व मार्क्स में नहीं पूछेगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट ये पर पर नोट दे रहा हूँ शॉर्ट सिक्स पॉइंट दिया हूँ लिख देंगे फाइव सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन में तो आपको फोर मार्क्स मिल जाएंगे सो so ये था आज हमारा आज का वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आपको बता दू मैं बी कॉम सेकेंड सेम एनईपी सिलेबस से स्टार्ट कर दिया था जो कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट चल रहा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मॉडल के वीडियो सारे चैनल में है आप जाकर देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच